गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. आज मैं जिस मुद्दे पे आपसे यहाँ चर्चा करने के लिए आया हूँ वो एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है. आप और हम सब लोग हर दिन उसको फेस करते हैं. हर व्यक्ति के साथ ऐसी दिक्कत आती है. मैं जिस टॉपिक पे बोलने जा रहा हूँ वो टॉपिक है साइबर क्राइम और साइबर क्राइम से बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं. देखने को सुनने को ये टॉपिक ऐसा लगता है कि ये क्राइम की चीज़ हम ऐसे ये जो प्लेटफॉर्म है इंटेलेक्चुअल्स का इस प्लेटफॉर्म पे इस टॉपिक का क्या काम. बट एज वी प्रोग्रेस इन द सेशन आपको लगेगा कि हम और आप हमारा परिवार फैमिली एवरीबडी इज फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स. हमारा मॉर्निंग का जो वेकअप कॉल का अलार्म से लेकर के पूरे दिन भर की एक्टिविटीज से लेकर के लास्ट का स्लीपिंग बेल तक एवरीथिंग इज कनेक्टेड ऑन इंटरनेट. हम चाहे मॉर्निंग से उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाते हों, एक्सरसाइज करते हों, दिन भर में कई साइट्स को विजिट करते हों, सोशल मीडिया पे जाते हों, हम कई सारी चीज़ें खरीदते हों, हमारा सवेरे से लेके शाम तक जो दिन गुजरता है वो ऐसे गुजरता है जैसे कि हम अकेले नहीं हैं, हम किसी आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में नहीं हैं, हम पूरी दुनिया से जुड़े हैं और पूरी दुनिया हमें वॉच करती है. जो एक ट्रेडिशनल ग्लोब हुआ करता था, दूर दूर के जो डिस्टेंसेज हुआ करते थे, वो सारे डिस्टेंसेज खत्म हो चुके और ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी. ऐसे में जरूरी है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसको इतना केयरफुली करें कि हमारी जो लाइफ है वो प्राइवेट लाइफ नहीं रही, हमारी लाइफ पब्लिक लाइफ है. और हमारा जो कुछ एक्ट है, जो कुछ हम कर रहे हैं, चाहे हम हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हों, किचन में बैठे हों, वी आर वॉच्ड बाई मैनी पीपल. आपने सबने देखा होगा कि आप कोई भी सोशल मीडिया साइट पे जाके दिन भर में गूगल करते हैं, कई सारी चीज़ों को सर्च करते हैं और अगले दिन आपके मेल बॉक्स में, आपके ईमेल अकाउंट में उसी चीज़ से रिलेटेड कई सारे ऐड आ जाते हैं. वो सारी चीज़ें कहाँ से हैं? क्योंकि हमारा जितना ज़्यादा डिजिटल फुटप्रिंट छूटता है इंटरनेट पे, उस डिजिटल फुटप्रिंट से हमारा बिहेवियर, हमारी हैबिट्स, हमारी लाइक्स, हमारी डिसलाइक्स, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा है. इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं आइसोलेटेड मेरे घर में बंद बैठा हूं तो मैं दुनिया की वॉचफुल आई से दूर हूं, ऐसा नहीं है. होता ये है कि हम किसी साइट पे जाते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं, वहां हमारे बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है. हम कई सारा दिन भर जो समय गुजारते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे गुजारें, चाहे ट्विटर पे गुजारें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ये सारी जगह जितना ज़्यादा हम विजिट करते हैं उतने ज़्यादा हम डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते जाते हैं. और जितने ज़्यादा, ये हम पुलिस की लैंग्वेज में बोलते हैं कि फुटप्रिंट से हम आदमी तक पहुंच पाते हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारे डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और उस डिजिटल फुटप्रिंट से हमें वॉच किया जाता है. उसी की रीज़न है कि आपके पास तरह तरह के मैसेजेस, मेल्स वो आते हैं और हमारे साथ अनेक तरह के साइबर क्राइम हो जाता है. एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूँ. यही जयपुर का इंसिडेंट है. वन फाइन डे एक लेडी आती हैं, वो बताती हैं कि मेरे बैंक से मेरे अराउंड 7.5 लाख जो थे वो सारे फ्रॉड हो गया, किसी ने मेरे साथ फ्रॉड किया. उस लेडी ने किया क्या था, सी वॉज हैविंग सम ओल्ड फर्नीचर और उसने OLX पे अपने ओल्ड फर्नीचर की पिक्चर्स डाल करके एक कस्टमर, जिसको भी ये फर्नीचर पसंद आता है वो कस्टमर कोई इसको परचेज कर ले, उसका ये डालना था. अर्ली मॉर्निंग सी रिसीव्ड ए कॉल कि आई लाइक दिस फर्नीचर, आई वॉन्ट टू परचेज दिस. तो फाइनली दोनों के बीच बार्गेन होके 1 लाख रुपए में वो जो फर्नीचर था उसका सेल परचेज दोनों के बीच एग्री होता है. सामने जो बंदा है उसने कहा कि व्हेन यू वांट टू हैव द प्राइस फॉर दिस फर्नीचर, उसने कहा कि आप जब फर्नीचर लेने आए तब दे दीजिएगा. तो उसने कहा हाँ ठीक है, तब दे देता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं अभी आपको नेट से भेज देता हूँ, आपको मैं इंटरनेट से पैसा आ जाएगा.
तो हाँ फेयर एनफ, लेडी ने कहा कि हाँ ठीक है आप भेज दीजिए। उसने कहा ठीक है मैं एक लिंक भेजता हूँ, आपके पास लिंक आया कि हाँ आया, तो अब आप इसमें ना डेबिट जो है इस पर क्लिक करिए। क्लिक किया, एक ओटीपी आया वो बताइए। लेडी ने ओटीपी बताया, लेडी के अकाउंट से 1 लाख रुपया साफ। तो वो वापस उसने फ़ोन किया कि तुम तो 1 लाख रुपये देने वाले थे तो मेरा डेबिट हो गया। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ये कुछ कन्फ्यूजन हो गया, आपने वो क्रेडिट दबाना था, आपने डेबिट दबा दिया, तो मैं दोबारा आपको लिंक भेजता हूँ, आप अब की बार क्रेडिट नहीं वो डेबिट नहीं क्रेडिट दबा दीजिए। फिर लिंक भेजा, उसने क्रेडिट इस बार क्लिक किया। फिर ओटीपी आया, उसने ओटीपी शेयर किया। डील ये हुई थी कि आपका 1 लाख तो फर्नीचर का है, एक जो गलती से कट गया वो है, तो इस बार 2 लाख रुपए मैं आपको भेज रहा हूँ। अब की बार लेडी ने जो ही ओटीपी शेयर किया उसका 2 लाख विड्रॉ हो गया। और इस प्रोसेस में लगातार वो जब तक लेडी के अकाउंट में पैसा था वो सारा साफ हो गया। जब पूरा बैंक अकाउंट साफ हो गया तो उसको पता लगा उसके साथ चीटिंग हुई। इस तरह के अनेक इंसिडेंट आते हैं हमारे सामने रोज। और मैं आपको वॉल्यूम बताऊं, क्वांटम आप देखेंगे मैग्नीट्यूड समस्या का, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो पिछले एक साल में, पिछला 31 अक्टूबर 2020 से लेकर के आज 31 अक्टूबर तक जयपुर सिटी में 94 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, 94 करोड़ विद इन अ ईयर। और ये फ्रॉड कितने लोगों के साथ हुआ है, 26,000 persons, विक्टिम्स आर 26,000 इन जयपुर सिटी ओनली। अब आप अंदाजा लगाइए, ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूं ये डेटा तो वो है जो रिपोर्टेड क्राइम है पुलिस के पास। बहुत सारा ऐसा भी क्राइम है जो रिपोर्टेड नहीं है, जो पुलिस के पास आते नहीं शिकायतें, वो इससे भी कई गुना है। इस तरह का जो वॉल्यूम है इससे तकलीफ ये है कि आम आदमी प्रभावित है। आप और हम जो भी यहां बैठे हैं सब अपने आप से पूछिए कि रोज एक मैसेज या मेल आपके पास किसी न किसी तरह से आपको अल्योर करने का, आपको किसी न किसी झांसे में लेने का आता है। अगर हम बात करें कि ये किस किस तरह के क्राइम हैं, साइबर क्राइम, जिनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है, तो वो साइबर क्राइम मोटा मोटा सा ये 4 कैटेगरी है। नंबर 1, साइबर फाइनेंशियल क्राइम्स, जहां फाइनेंस का लेन देन होता है उसमें कोई क्राइम हुआ। नंबर 2, आपका डेटा थेफ्ट। डेटा थेफ्ट, आपके पास बहुत सारा कुछ डेटा था, इंपॉर्टेंट डेटा था, उसको किसी ने चुरा लिया। नंबर 3, इम्परसोनेशन, आपकी जगह कोई दूसरा आदमी आप बन के किसी के साथ ठगी करता है। और नंबर 4, साइबर स्पेस के मार्फत लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग करना। पहली कैटेगरी पे मैं आता हूँ, जो साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो क्या, आपका बिना यूज किया आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपने यूज किया नहीं था, उसके बावजूद आपका पैसा बैंक से विड्रॉ हो जाना। आपके पास किसी ना किसी लॉटरी के नाम पे, कोई इंश्योरेंस के नाम पे आपके पास मैसेजेस आना और उस झांसे में आप चले जाएं और आपका पैसा कट जाओ। आपका लोन की ईएमआई के मैसेज आपके पास आते हैं और उसमें आपसे वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मांगते हैं, आपसे पासवर्ड मांगते हैं, कई बार ओटीपी पिन मांगते हैं, आपका पैसा चला जाता है। इस तरह के अनेक फ्रॉड हमने कोरोना के दौरान भी देखे हैं। कोरोना क्राइसिस जब चल रहा था, लोगों से हॉस्पिटल में बेड के नाम पे, ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे, रेमडेसिविर के नाम पे, वैक्सीनेशन का आपका कैंप में रजिस्ट्रेशन हो गया तो वैक्सीनेशन की डेट आपकी ये है, इतना फीस आप जमा करा दीजिए इस नाम पे। कई लोगों के पास ये आता है कि आपका बाहर से पैसा आया है, एक पार्सल आया है, कस्टम ऑफिस से हम बोल रहे हैं आपका कस्टम क्लियरेंस के लिए इतना एडवांस जमा करा दीजिए, फिर आपका ये पार्सल रिलीज हो जाएगा। इस नाम से लोग ठगे जाते हैं और ऐसी हजारों शिकायतें रोज मिलती हैं। हमारे आपके परिचित भी शायद ठगे गए होंगे। इसका सेकंड कैटेगरी में देखें, आप जो मैं बता रहा था इम्परसोनेशन, आपका हमारा जो आदमी जितना ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है उस व्यक्ति के नाम की फेक प्रोफाइल रूटीन में लोग बनाते रहते और वो फेक प्रोफाइल बना करके आपका जो फ्रेंड सर्किल है उन सबको मैसेजेस भेजना और उनको मैसेजेस भेज के
एक क्राइसिस क्रिएट करना कि मैं क्राइसिस में हूँ, आई नीड फेवर, मेरे को इतना रुपया दे दीजिए, और आपके फ्रेंड्स आपके रिश्तेदार वो पैसा दे देते हैं, कई दिनों बाद उनको पता लगता है वो तो कोई फ्रॉडस्टर था। ऐसी इंपर्सोनेशन की शिकायतें जो कोई भी सोशल लाइफ में कोई ठीक स्टेटस पे है या इस वर्चुअल दुनिया में जिसकी डिजिटल फुटप्रिंट्स ज़्यादा है उनके साथ ऐसा अक्सर होता रहता है। अनेक इम्पर्सोनेशन के बाद हम उस पे नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं जहाँ डाटा थेफ्ट के किस्से देखने को मिलते हैं। डाटा थेफ्ट क्या है कि आपने कोई तो इन्फॉर्मेशन के आधार पे कुछ एक्सपर्ट्स के साथ कई सालों में कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, कोई इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डेवलप किया था, और वो अचानक से या तो दूर बैठा कोई हैकर आपके सिस्टम को हैक कर लेता है, आपके कंप्यूटर को हैक कर लेता है, आपके नेटवर्क को हैक कर सकता है, आपके सर्वर को हैक कर सकता है, या तो वो उस मार्फत आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है, या वो आपको जो एम्प्लॉय था जिसने डेवलप किया था, जो एक्सपर्ट इंजीनियर्स जो थे जिन्होंने ये आपके लिए ये सारा डेटाबेस क्रिएट किया था उसको विन ओवर कर लेते हैं, वो आपकी कंपनी आपकी फर्म छोड़ के चला जाता है और उसी को वो मिसयूज करके एक एक सारे डेटा को ले जाता है। इस तरह की भी अनेक समस्याएं एक आम आदमी के साथ आती है। एक छोटा सा किस्सा बताता हूं मैं आपको। यहां से एक व्यक्ति ने, मान लीजिए जयपुर में बैठे एक एक्स आदमी ने अमेरिका में बैठे वाई आदमी के साथ कोई बिजनेस डील करी, वो बिजनेस लगातार उनका चल रहा था, कई सालों से चल रहा था। एक कोई हैकर नाइजीरिया में बैठा हुआ ये एक्स और वाई के बीच जो कम्युनिकेशन चल रहा था थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेल के मार्फत, जनरली वो ईमेल के मार्फत अपना आपस में जो भी नेगोशिएशन होता था बिजनेस डील से पहले, वो सारी को वो वाच कर रहा था बीच में। हैकर दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन था, मेल्स जो एक्सचेंज हो रहे थे, उन सबको वो देख रहा था। जो ही वो नेगोशिएशन होके डील फाइनल स्टेज पे पहुंचती है तो यहाँ से जो जो डिलीवरी होनी थी मटेरियल की इंडियन के द्वारा अमेरिका में, वो डील होके अमेरिकन के द्वारा इसको पेमेंट जाना था। तो यहाँ से जब ये मैच्योर होके यहाँ से मटेरियल डिस्पैच होने लगता है, उससे जस्ट पहले जब मेल हो रहा है, उस मेल पे वो बीच में नाइजीरियन जो बैठा है उसने उसको हैक करके अमेरिकन को एक मैसेज भेजा कि यू प्लीज सेंड द मनी इन दिस पर्टिकुलर अकाउंट। और ये जो मेल जा रहा था यहाँ इंडियन का मेल अमेरिका को, वो उसको नहीं जा पाया, वो इस हैकर तक ही पहुँचते। तो यहाँ से उसका माल भी चला गया, अमेरिकन का पैसा आया, वो कोई नाइजीरियन के अकाउंट में पड़ा है। इस तरह के फ्रॉड बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन जिनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम उनके साथ ऐसा होता है, साथ ही साथ विद इन द कंट्री एक सिटी से दूसरी सिटी में जो बिजनेस डील्स हैं उनमें भी ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। इससे अगला फ्रॉड था या अगला साइबर क्राइम जिसकी मैं फोर्थ कैटेगरी की चर्चा कर रहा था वो था ब्लैकमेलिंग। और इससे पीड़ित वो तबका है सोसाइटी का जो तथाकथित हाई स्टेटस के लोग, सोसाइटी में हाई वैल्यू रखने वाले लोग, उन लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता है, चाहे वो इंजीनियर्स हों, प्रोफेसर्स हों, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ ऐसे ब्लैकमेलिंग के इंसिडेंट हुए हैं। आम आदमी के साथ भी होता है। होता क्या है, किसी अननोन नंबर से अचानक कोई आपके साथ कोई चैट शुरू हो जाती है, मैसेजेस एक्सचेंज होना शुरू हो जाते हैं। कई बार आपसे देर रात कोई वीडियो कॉल आता है किसी लेडी का, सामने कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में उसका वीडियो होता है लेडी का, जो ही जो विक्टिम है उसको लगता है कि नहीं ये तो कुछ गलत व्यक्ति ने मेरे को कॉल कर लिया, वो फोन डिस्कनेक्ट करता है, चैट डिस्कनेक्ट करता है, वीडियो चैट डिस्कनेक्ट करता है। उसके अगले ही पल उसके पास अब फोन आने लगता है कि ये तो तुम्हारा हमने एक वीडियो बना लिया, इसको वायरल करेंगे, अदरवाइज इतना रुपया दीजिए। कई देर बार्गेनिंग होती है और उस बार्गेनिंग में जो विक्टिम है वो उस फ्रॉडस्टर को काफी पैसा दे चुका होता है। जब फ्रॉडस्टर को पता लग गया कि भाई अब ये मेरे में जितना इसको एक्सप्लोइट कर सकता था उतना कर चुका, अब फर्दर ये विक्टिम फ्रॉडस्टर को कुछ देने को तैयार नहीं है, तब फ्रॉडस्टर अगली चाल चलता है कि बट मैंने तो ये
वहां दे चुका सोशल मीडिया साइट्स पे, इसको यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए, इस चैनल पे अपलोड करने के लिए मैं भेज चुका, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने प्रोडस्टर को जो पैसा दिया तो प्रोडस्टर कह रहा है कि अब मैं तो आगे आपका डैमेज नहीं करूंगा, लेकिन मेरे यहां से चीज चली जा चुकी, अब ये सोशल मीडिया साइट्स पे अपलोड होगी। अगले ही पल उसके पास किसी अननोन नंबर से फिर कॉल आता है विक्टिम के पास, कहता है कि हम साइबर क्राइम ब्यूरो, साइबर क्राइम पेट्रोल वहां से बोल रहे हैं, आपका ऐसा ऐसा वीडियो है तो आपके खिलाफ ये केस दर्ज हो गया। तो वो फिर उससे डील करता है, फिर वो कहता है कि ठीक है मैं तो हैंडल कर चुका, लेकिन अब ये हमने सोशल मीडिया साइट्स पे चला गया, मैं उनको बोलता हूं आपके पास एक नंबर से कॉल आएगा, आप उनसे डील करिए ताकि वो अपलोड होने से बच सके। फिर कोई अपने आप को यूट्यूब वाला बन के, कोई फेसबुक वाला बन के कॉल करता है, कहता है कि आपका ये अपलोड होने ही वाला है, तो वो फिर उससे डील होता है। फाइनली जो विक्टिम है उसके पास जो कुछ है इधर उधर से लोन प्रॉपर्टी बेच बाच के, वो अपने आप से इस ट्रोमा से बचने की कोशिश करता है। इस तरह के भी अनेक अपराध पिछले करीब 2 साल में कोरोना के बाद से अनगिनत बढ़े, हर मोहल्ले गली में रहने वाले लोगों की ये शिकायत है। ये तो मैंने बताया वॉल्यूम और नेचर टाइप साइबर क्राइम का जो है। अब इससे बचने का क्या तरीका है? मैं ये मानता हूं यहां जो कुछ लोग बैठे हैं उनमें ज्यादातर लोग टेक्निकली लिटरेट होंगे, बट ये समस्याएं टेक्निकली लिटरेट या टेक्नोक्रेट्स के साथ साथ आम आदमी के साथ भी हैं, और बचने के जो तरीके हैं वो बचने के तरीके के लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए। बचने के लिए तो एक आम आदमी को क्या क्या करना है, सिर्फ वही मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। बड़े छोटे छोटे स्टेप्स हैं। नंबर 1, डोंट फॉल प्रे ऑफ इजी मनी। कोई इजी मनी कभी नहीं होती, बिना मेहनत किए कोई इनकम नहीं होती। तो इस तरह के जो लुभावने ऑफर हैं वो आपको इतना विश्वसनीय लगेगा कि आप विश्वास करोगे कि हाँ ये पैसा तो मेरा जेन्यून पैसा है। लेकिन वो जेन्यून पैसा आपने क्या उस जेन्यून पैसे के लिए कोई मेहनत करी थी? क्या आपने कोई काम किया था? हैव यू डन एनी वर्क फॉर दैट? नो। तो फिर ये पैसा कोई आपको ऑफर कर रहा है का मतलब आपके साथ बड़ा फ्रॉड होने वाला है। नंबर 2, जो कोई भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे आप जाते हैं, उन सब साइट्स के आपके आईडीज एंड पासवर्ड्स, आपके बैंकिंग डिटेल्स, जिन जिन बैंक से, जिन जिन इंश्योरेंस पॉलिसीज से आप जुड़े हैं, उनके पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए और फ्रिक्वेंट उनको बदलते रहिए। 3, किसी भी सूरत में अपना पासवर्ड, पिन कोड, OTP किसी के साथ शेयर मत करिए। अनेक कॉल आपके पास आएंगे, आपका KYC अपडेट करना है, आपका बैंक KYC अपडेट करना है, आपका मोबाइल डेटा KYC अपडेट करना है, आपका आधार कार्ड अपडेट करना है, आपने यहां तक कि भी आपके पास कॉल आएंगे, आपने कहीं कोई नई जगह अप्लाई किया किसी पर्पज के, आपने नई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, बैंक में कोई नया अकाउंट खरीदा, आपने अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन कराने गए, जहां आपने फॉर्म भरा अगले ही पल आपके पास कोई मैसेज आएगा कि आपने ये फॉर्म भरा था, आपको लगेगा कि हाँ ये फॉर्म तो मैं कल भर के आया हूं, तो इसमें ये कमी रह गई, जरा इसको आप अपडेट कर दीजिए, तो आपका पैन नंबर बता दीजिए, आधार कार्ड बता दीजिए, आप उसको जेन्यून लगेगा आपको, आप उसको फिजिकली वेरीफाई करा दीजिए। फोन पे ऐसी चीजें शेयर मत करिए क्योंकि वो कोई ना कोई फ्रॉडस्टर है। और इससे अगला स्टेप अगर आप कर सकें तो जब तक जरूरत हो उतना ही अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़िए। अगर आपको जरूरत नहीं है तो अननेसेसरी अनावश्यक रूप से सोशल साइट्स में अपने आप को बिजी मत रखिए, अपने फैमिली को बचाइए, अननेसेसरी उस पर ज़्यादा टाइम जाया नहीं करिए, आपको जरूरत है उतना उसको यूज करिए। एक अंतिम बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कितना भी कोई अपराध हो जावे, जो ही फर्स्ट इंसिडेंट आपको पता लगे कि मेरे साथ कोई घटना हुई है, तो प्लीज इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को संपर्क करिए। कई बार आपको लगता है ये इस तरह का क्राइम है, मैंने पुलिस को बताया, पब्लिकली मेरी
मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे स्टेटस गिर जाएगा, आप पुलिस को बता दीजिए कि दिस शुड बी सीक्रेट, ये गोपनीय रहना चाहिए, तो गोपनीय रहेगा, बट आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या जो हमारा टोल फ्री नंबर है 100-100, प्लीज डायल ऑन इट, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू, थैंक यू।